नेक्स्ट एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 16 में दी गई अवकल समीकरण, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जिसके यदि हर एक स्टेप में एक्स और वाई की घातों का योग देखें तो वह हमें मिल रहा है 2। अतः यह एक समघात अवकल समीकरण है, जिसे हम लोग यदि आगे चल के चेंज करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल इनका और इनका भाग लगाकर अलग अलग करें तो हमें मिलेगा वाई बटे में एक्स प्लस में 1/3 वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इस दोनों को ही समीकरण नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, जो कि फंक्शन ऑफ वाई बटे एक्स के रूप में है। अतः इस समघात अवकल समीकरण को हल करने के लिए वाई को मान लेंगे वी एक्स, जिसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। 2 से मान समीकरण नंबर 1 में यूज़ करें तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स के सम पर आ जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू दी इसके स्थान पर, यानी जहाँ जहाँ वाई बटे एक्स है उसके स्थान पर हम रख देंगे v, तो हमें मिलेगा v प्लस 1/3 और वी स्क्वायर, जिसमें यदि हम ध्यान दें तो v से v कैंसिल हो सकता है। शेष हम लोग v के पदों को लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं और x और dx के पदों को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, जिससे हमारा अगला पद बन जाएगा 1/V स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल 1/3 डी एक्स अपॉन एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप आ गया। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो हमारा अगला पद बन जाएगा 1/V स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/V, 1/3 को बाहर रखते हुए इसका इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आप चाहें तो लॉग के अंदर मोड का यूज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप में वी का मान रखें जो कि था वाई बट एक्स, तो यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल 1/3 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में दी गई अवकल समीकरण, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और यदि आप यहाँ पर ध्यान दें तो यह फंक्शन ऑफ वाई बट एक्स के रूप में है। इसका मतलब यह है एक समघात अवकल समीकरण है, जिसको हल करने के लिए हम लोग वाई बटे एक्स को वी या वाई को वी एक्स मान लेते हैं, जिसका अवकलन करने पर हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से मान 1 में रखें तो हमें प्राप्त होगा वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल इनके स्थान पर रख देंगे वी, तो बन जाएगा वी प्लस में एन वी। नेक्स्ट स्टेप में वी से वी कैंसिल हो जाएगा, टेन वी को उठा के हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं और एक्स और डी एक्स के पदों को हम लोग आर एच एस में शिफ्ट करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा कोट वी इंटू डी वी इज इक्वल डी एक्स अपॉन एक्स, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाला स्टेप बन गया, जिसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोट वी का इंटीग्रेशन लॉग साइन वी, 1/x का बन जाएगा लॉग एक्स, इसलिए हम कॉन्स्टेंट को भी ले लेते हैं लॉग की फॉर्म में, यानी लॉग सी। नेक्स्ट हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सेम रखते हैं लॉग साइन वी, आर एच एस में लॉग के फॉर्मूले का यूज़ करें तो बन जाएगा लॉग एक्स इंटू में सी, दोनों साइड से लॉग को हटा दें तो हमें प्राप्त होगा साइन वी इज इक्वल सी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में वी का मान रख दें तो हमें प्राप्त होगा साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, जिसमें सी का लेफ्ट हैंड साइड में भाग लगाएं तो 1/c इज इक्वल बन जाएगा एक्स, 1/c के स्थान पर हम नए कॉन्स्टेंट c1 का यूज़ करते हैं। शेष साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू दी एक्स, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 4 ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 19 में दी गई अवकल समीकरण, जिसमें हम एक्स का लगा देते हैं भाग तो डी वाई बाई डी एक्स का मान बन जाएगा वाई बट्टे में एक्स, और इस पर लॉग एम माइनस लॉग एन का सूत्र लगाएं तो ये बन जाएगा लॉग वाई बट्टे एक्स और आगे चल रहा है 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यदि इस पर ध्यान दें तो ये फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स के रूप में है, अतः यह एक समघात अवकल समीकरण है,
जिसे हल करने के लिए हम लोग y को मान लेते हैं वी एक्स, जिससे इसका अवकलन करने पर डी वाई बाई डी एक्स का मान प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। समीकरण दो से मान रख देते हैं एक में, तो हमें प्राप्त होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल, इसके स्थान पर यूज़ कर लेंगे v, तो बन जाएगा v इंटू लॉग v प्लस में 1, जिसमें v का यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बन जाएगा v इंटू में लॉग v प्लस में v, जिसमें दोनों पक्षों में v से v को कर देंगे कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में v लॉग v को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं और dx बटे x को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप बन जाएगा 1 अपॉन v लॉग v और dv इज इक्वल dx अपॉन x, जो कि वेरिएबल सेपरेबल वाली कंडीशन है। अब दोनों पदों का इंटीग्रेशन कर देंगे। हम चाहें तो इस 1 बटे v को अंश में भी मान सकते हैं। इस आधार पर हमारा अगला पद बन सकता है इंटीग्रेशन 1 बटे v dv अपॉन log v इज इक्वल इंटीग्रेशन dx अपॉन x। अब यदि मैं ध्यान से देखूं तो log v का अवकलन 1 बटे v अंश में मौजूद है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन बन जाएगा log v इक्वल बन जाएगा log x, और इसी हिसाब से कांस्टेंट को हम ले लेंगे log c, जिससे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हुए राइट हैंड साइड पर log m प्लस log n का सूत्र लगाएं तो बन जाएगा log x इंटू में c। अब दोनों साइड से ये वाले log को हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा log v इज इक्वल सी एक्स या एक्स इंटू सी। नेक्स्ट स्टेप में वी का मान वापस रख दें तो लॉग वाई बटे एक्स बन जाएगा सी एक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।